हिंदू धर्म में हर साल आने वाले चतुर्मास का बड़ा महत्व होता है और इन्हीं चार माह में सबसे विशेष माना जाता है कार्तिक मास। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक का महीना बेहद ही पवित्र होता है। आपको बता दें कि ये महीना श्री हरि के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में की गई पूजा अर्चना करोड़ों पुण्य देने वाली होती है और यही वो माह है जब दीपदान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ सूर्योदय से पहले शीतल जल का स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना तीर्थ स्थलों में स्नान के बराबर है। तो वहीं कार्तिक के महीने में ही कई व्रत व त्योहार भी आते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो त्योहार, जैसे कि शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उठनी एकादशी और फिर कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस माह का समापन होता है। आपको बता दें कि इस महीने में आने वाली देव उठनी एकादशी बड़ी ही खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु पूरे चार माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही एक बार फिर शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक में तुलसी पूजन विशेष होता है। तुलसी जी के सामने दीपदान करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि तुलसी जी की शालिग्राम से विवाह करवाया जाता है। आइए जानते हैं इस महीने की खास बातें। कार्तिक में नक्षत्र, ग्रह योग, तिथि, पर्व का क्रम धन, यश, ऐश्वर्य, लाभ, उत्तम स्वास्थ्य देता है। इसी माह में शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा जो विजय देने वाला है। कार्तिक महीने का महात्म स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। ये महीना लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना द्वारा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। शास्त्रों में निमित्त है कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि का आध्यात्मिक समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में मांस मछली व मट्ठा का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा व्रत उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। बता दें कि कार्तिक महीने में केवल एक बार यानी नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।